आयोजन आपका, व्यवस्था हमारी, संतुष्ट रहे आप, जिम्मेदारी है हमारी। जी हाँ, आपकी गरिमा का विशेष ध्यान रखते हुए अब हर बजट में हम आपको लग्जरियस देने का वादा करते हैं। विवाह समारोह हो या कोई भी मांगलिक आयोजन, समस्त व्यवस्थाएं अब एक ही छत के नीचे। हमारे परिसर हैं वृंदावन गार्डन, शुभ परिसर, लक्की गार्डन, गुरु नानक धर्मशाला, अमृत परिसर, गंगराड़े धर्मशाला, नार्मदी धर्मशाला और बापू गार्डन। संचालक रितेश कपूर और श्याम कपूर। मोबाइल नंबर 9827370996 और 9424816206। एक फोन आप हमें करें, हम वादा करते हैं आपको दूसरा फोन कहीं नहीं करना होगा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच खंडवा में कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता शामिल होंगे। यह प्रदर्शन 7 जुलाई को कांग्रेस करेगी, जिसमें महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस शहर में चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन कर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। प्रदर्शन में यूथ कांग्रेसी प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीख को भले ही ना ऐलान हुआ हो, लेकिन इनकी सरगर्मियां तेज हो गई है। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस 7 तारीख को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे और महंगाई, पेट्रोल डीजल सहित पानी के मुद्दे पर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव सहित तमाम कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव अंकित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी समय में महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ भाजपा की दमनकारी नीतियों को जनता के सामने लाएंगे। इसमें हमारे प्रदेश के बड़े नेता शामिल होंगे। महंगाई के साथ स्थानीय मुद्दा नर्मदा जल योजना का भी है। आज पूरा शहर पानी की समस्या से लेकर कांग्रेस नगर निगम का घेराव कर यहां चक्का जाम करेगी। देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में जो नर्मदा जल का एक मुद्दा पूरे प्रदेश लेवल पे आज हाईलाइट हो रहा है, आप मीडिया के साथियों के संबोधन से और माध्यम से, उसको लेकर के खंडवा यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस आदरणीय अरुण यादव जी और विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में नगर निगम का घेराव और चक्का जाम करने जा रहा है। आगामी 7 जुलाई को आदरणीय पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे यहाँ के लोकप्रिय पूर्व सांसद आदरणीय अरुण भाई यहाँ आ रहे हैं, साथ ही विक्रांत भूरिया जी जो कि प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे इस मुद्दे को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए। इसके साथ ही सचिन यादव जी से भी हमारी वार्तालाप हुई है, वो भी सम्मिलित हो रहे हैं, और यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव जो हैं इशिता सेदा जी हैं, भैया जी पवार, ऐसे तमाम प्रदेश के और हमारे देश के यूथ कांग्रेस के नेता हमारे खंडवा में उपस्थित होने वाले हैं। और मुद्दा सिर्फ एक है कि जो नर्मदा जल को लेकर के जो भ्रष्टाचार किया है, जो घोटाला किया है, इसको लेकर के 7 जुलाई को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये बात कही जा रही है सोशल मीडिया पे कि 7 जुलाई तक पानी गिर जाएगा तो ये आंदोलन किस लिए, तो मैं आपको बता दूं, ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि पानी गिर जाएगा वहां तक समस्या नहीं है, पानी गिरने के बाद भी नर्मदा जल की जो पाइपलाइन है वो फूटेगी, गंदा व शुद्ध पानी अभी तक लोगों को मिलता आया है वही मिलेगा। तो लड़ाई उस बात की है कि जिन लोगों ने इसमें घोटाला किया है क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्या खंडवा को शुद्ध जल पीने का अधिकार नहीं है, क्या खंडवा को 24 घंटे पानी पीने का अधिकार नहीं है, और जब आप जल नहीं दे रहे पिछले एक माह से, तो खंडवा की जनता कर भी नहीं देगी, ये यूथ कांग्रेस का मुद्दा है।